خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और होपफुली कि आप सब लोगों के रोज़े बहुत ही अच्छे से जा रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अपना फ़र्स्ट डे ऑफ जो है रमदान का। तो सहरी तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी, मैंने आपको बताया था कि मुझे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ मैं रिकॉर्ड करूँ ना। तो फिर मैंने सोचा कि चले जी अफ्तार का ही व्लॉग बना लेते हैं, और वैसे भी जो फ़र्स्ट अफ्तार होती है ना थोड़ी सी स्पेशल होती है, तो मैंने कहा चलें इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं ना बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, जो कि मेरी पूरी फैमिली का बहुत ही फेवरेट है, और साथ में मैंने जो ना चिकन टिक्का जो है क्यूब्स में बना रही थी ताकि बच्चे जो ना खुश खुश होकर खा लें। और आज ना मुस्तफ़ा का भी रोज़ा था, तो मुस्तफ़ा के लिए फिर मैंने स्पेशली ये जो चिकन टिक्का बनाया था, फ्लेक्स डाली थी, सोया सॉस ऐड किया, थोड़ा गार्लिक मैंने ऐड किया, तो बस सिंपली सी मैरिनेशन करके जो है ना इसको मैंने बना लिया था। एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पर जी दूसरी तरफ जो हमारा पास्ता है उसका चिकन रेडी हो रहा है, इसके अंदर मैंने थोड़े से ऑलिव्स भी ऐड की हैं, अगर आप लोगों के पास मशरूम्स हैं आप वो भी डाल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा पास्ता है उसका चिकन रेडी हो गया है, इसको जो है मैं साइड में कर दूंगी और इसी के अंदर जो है ना हम लोग जो है ना वाइट सॉस बना लेंगे। और आज जो है ना अबीहा कह रही थी कि मैं खुद ही से जो है ना मम्मा वाइट सॉस बनाऊंगी, तो बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है ना फिर उनका दिल चाहता है कि वो हम ना खुद बनाएँ। तो यहाँ पर जी पहले तो अबीहा ने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल दी थी, फिर जो है ना ज़्यादा इसने जो है सोटे कर दिया था, तो हर बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। और बस यहाँ पर जी वाइट सॉस प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ पर जो है ना मैं KDT की जो है ना हैवी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और जब भी आप पास्ता बनाएं ना तो आप हैवी क्रीम ही यूज करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पास्ता का। तो यहाँ पर जी ये चिकन है जो कि मैंने एयर फ्राई किया है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना अपनी इफ्तार को जितना हो सकता है उतना हेल्दी करूँ। तो गाइज़ ये जो चिकन है ना एयर फ्राई में बहुत ही मज़े का बना था, मेरी तरफ से तो जो ना 100% रिकमेंडेड है। मैंने थोड़ा सा ऑयल इनके ऊपर स्प्रे किया था। सो गाइज़ यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल्स जो हैं ग्रिल सैंडविचेस जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। तो मैंने एक दिन पहले जो है ना वेजिटेबल समोसा बनाए थे जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो कुछ वेजिटेबल्स जो थी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि चले इसके साथ सैंडविचेस बना लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर दूसरी तरफ जो है पास्ता वो भी रेडी हो रहा है, अब जस्ट 10 मिनट रह गए थे, तो मैंने कहा चलें जी इसको जो है लास्ट स्टेप इसका कंप्लीट करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अफ्तार में कुछ ऐसे स्नैक्स बनाऊँ जो कि फुलफिलिंग हो, बिकॉज के हमारे घर में ना खाना जो है ना वो नहीं खाया जाता, जस्ट आप कह लें कि सहरी के टाइम मैं सालन बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, अदरवाइज़ अफ्तार में जो है ना ये स्नैक्स वगैरह ही खाए जाते हैं। सो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आज यहाँ पर जी फर्स्ट अफ्तार थी, और आपको पता है कि जो फर्स्ट सहरी और फर्स्ट अफ्तार ही होती है ना वो बड़ी भागम दौड़ में होती है, तो बस मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ना रिकॉर्ड कर लूँ, और अच्छा भी लगता है फर्स्ट अफ्तारी को और फर्स्ट सहरी को रिकॉर्ड करना ना। तो खैर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस पर लाइक प्रॉपर व्लॉग तो शायद शेयर ना कर सकूँ जैसे कि मैं पहले करती थी, पूरी डिटेल से आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर करती थी ईच एंड एवरीथिंग ना, तो इस पर मैं जस्ट आप लोगों से रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ वो मैं शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोगों ने मेरी जो है रेसिपीज़ देखनी है तो वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग लास्ट रमदान व्लॉग्स भी देख सकते हैं, मेरी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं उसके अंदर। तो खैर मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट अफ्तार कैसे किया। और गाइज़ ये देखिए जी चिकन जो थे ये कितने ही माशाल्लाह से टेम्प्टिंग लग रहे थे। सो गाइज़ ये जो ग्रीन कलर की आपको ये गम टाइप जो चीज़ नज़र आ रही है ना ये बिल्कुल एज अ ग्लू की तरह वर्क करती है, और ये बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। तो इसके साथ जो ना ये मैं लाइट फिक्स कर रही थी, तो ये लाइट ख़राब थी तो हस्बैंड ने इसको ठीक किया था, तो मैंने कहा चले इसको चलाते हैं, अदरवाइज़ जो ना मैंने कैंडल्स चलानी थी लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था। एज़ यू नो गाइज़ के फर्स्ट इफ्तार जो ना बहुत ही जल्दी जल्दी से सब कुछ हो रहा होता है, तो मैंने कहा चलें इसको चलाते हैं और रमदान की जो वाइब्स है ना वो अच्छे से आएँगी।
अच्छा तो यहाँ पर जी बस अभी मैं टैंक बनाऊंगी, और ये जो है ना मैंने न्यू ही लिया है, जार टाइप कह लें इसको, लेकिन ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो मैं सोचा कि चलिए मैं इसमें जो है ना टैंक बना दूंगी, और बच्चे जो है ना लाइक उनको रमज़ान में तो टैंक आपको पता है बहुत ज़्यादा पिया जाता है, और वैसे भी जो है प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है रमज़ान में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा सब बना देती हूँ और फिर बच्चे जो है ना ख़ुद से जो है ना पीते रहेंगे, और फिर गिरने का भी कोई टेंशन नहीं होगी। तो टैंक बनाते हैं, उसके बाद फिर जो है बस अपनी इफ्तारी करते हैं। अभी दुआ मांगी, चलो उजली से बचो, पढ़ो तुम। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु, इन्नी लकसमतु, लकसमतु वबिका आमनतु, वबिका आमनतु, आमनतु। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर फर्स्ट रोज़ा था, तो मुस्तफ़ा ने भी जो ना बहुत ही शौक से रोज़ा रख लिया था, तो मैंने जो है ना सोचा था कि ये कुछ खा लेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया था, अल्हम्दुलिल्लाह से उसका पूरा जो है ना मुकम्मल रोज़ा था। एनीवेज़ यहाँ पर जी आपको कचौड़ियाँ और समोसे नज़र आ रहे होंगे, तो क्या था कि मेरा जो भाई है ना वो अपने लिए लेकर आया था ये चीज़ें, और फिर वो हमारे लिए भी ले आया। अच्छा तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद ना हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया था, दैन फिर हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो है ना हम लोग जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जो तरावी नमाज़ है वो मस्जिद पर जाए। तो मेरी लाइक जो मस्जिद है ना, बहुत सी मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको पसंद है, अक्सर औकात मुझे इंस्टा में मैसेजेस आते हैं क्योंकि मैं शॉर्ट वगैरह जो है शेयर करती रहती हूँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर बहुत रौनक होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद ना वापसी में जो है हम लोग स्वीट लेकर आए थे, क्योंकि आफ्टर इफ्तार दिल चाहता है कुछ ना मीठा खाने को, तो हम लोग मार्केट भी गए थे और मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया स्पेशल। सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर था जी आज फर्स्ट रोज़ा, तो इफ्तारी करने के बाद ना हम लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद जो है ना मैं मार्केट गई थी, थोड़ा बहुत मुझे काम था तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था और काम ज़्यादा थे मेरे। और यहाँ पर जी अभी आप देखें हो रहे हैं जी 10 o'clock का टाइम हो रहा है यहाँ पर। तो वापसी में ना हम लोग स्वीट लेकर आए थे, कुछ तो मैंने रख दी है क्योंकि आफ्टर इफ्तारी के ना दिल चाहता है कुछ ना मीठा खाने का। और ये जो है स्क्रैम्बल लेकर आए हैं मुस्तफ़ा, बिकॉज़ के आजकल ये फ्री हैं, इसके जो है एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं, तो मैंने कहा चलें जो है फ्री टाइम में ना इसके साथ स्क्रैम्बल खेलेंगे। तो ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी गेम होती है, स्पेलिंग्स जो है ना बच्चों के बड़े इम्प्रूव होते हैं इससे। तो गाइज ये जो थे ना मेरे पास लास्ट ईयर के थे, तो टाइम ही नहीं था, जैसे कि आपने देखा कि बस आपके लिए भागम दौड़ में मैंने सारे काम किए हैं, तो ये आज ना मुस्तफ़ा ने खुद ही इसे सारे ये अटैच कर दिए हैं। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलती हैं लाइक स्टफ़ कैंडीज़, तो मुस्तफ़ा जब भी मार्केट जाता है तो फिर कुछ ना कुछ जो है ना वो ले आता है। तो खैर ये था जी आज का व्लॉग, होपफुली कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक अनदर इफ्तार के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।